हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल न्यू अपडेट के बारे में। आज यहाँ पर नई भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें 2020-21 में भर्ती को निरस्त भी कर दिया गया है। पूरा ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूँ, पूरा देखिए लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस, आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो भी रिक्त पद हैं ईआरटी लेवल में सहायक अध्यापक के, उन पदों के भरने के लिए आदेश जारी हो चुके थे ऑफिशियली। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताए थे कि भाई ऑफिशियली आ चुका है, लेकिन मेरे पास नहीं था इसका लेटर, तो फाइनली हमारे पास भी पहुंच चुके हैं और आज आपको ऑफिशियली दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं अभी तक न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कि 3600 कहीं 3000 रिक्त पदों की भर्ती आने वाली है करके। तो फाइनली यहाँ पर आप देखते हैं आज का न्यू अपडेट, जिसमें परीक्षक रविनाथ रमन शिक्षा सचिव उत्तराखंड शासन के सेवा में निदेशक जो कि प्रारंभिक शिक्षा मनोरखा देहरादून को भेजा गया है। 29 मई को ये लेटर जारी हुआ था, लेकिन आज मेरे पास पहुंचा है और विषय रखा गया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। तो रिक्त पद जितने हैं उन सबको भरे जाने हैं। हालांकि रिक्त पद न्यूज पेपर में 3000 कहीं पर 3300 कहीं पर 2300 और कहीं पर 3600 बताए गए हैं, लेकिन इसमें पूरा देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या, जो पत्र संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, 8 मई 2024 को जो 24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। तो यहाँ पर 8 मई को एक आदेश जारी किया था जिनमें रिक्त पद प्राइमरी लेवल में भरे जाने के आदेश यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके थे। और इसमें दूसरा रखा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित सिविल अपील संख्या, ये है जिसमें देवेश शर्मा प्रति भारत संघ के प्रकरण में दिनांक 11/8/2023 में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनसीईटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को अर्ह बनाया गया था, उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जो एनसीटी ने अभी हाल ही में फैसला लिया है सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी की रिगार्डिंग 11/8/2023 में, और पहले जो लिया था एनसीटी ने 28/6/2018 को, इसमें 18 वाले में क्या कह रहा था कि बीएड धारकों को प्राइमरी लेवल में योग्य माना गया था, और उसी को 11/8 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब निरस्त कर दिया गया है। यानी कि बीएड अभ्यर्थी अब प्राइमरी लेवल के शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, ये साफ साफ जो है यहाँ पर लिखा गया है। उक्त के क्रम में बताया गया कि एनसीटी के सभी राज्यों को संबोधित पत्र, जो इनका संबोधित पत्र था सभी राज्यों के लिए, वो 4/9/2023 को जो है जारी हुआ था, द्वारा प्रकरण पर अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में अग्रेतर उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2024 संशोधन की गई है। तो ये ऑलरेडी मैंने कहा था कैबिनेट में बैठक हुई थी, जो तनसिंह रावत द्वारा वो फाइनली संशोधन नियमावली चेंज कर देगी थी। ये नियमावली चेंज हो चुकी है, जो 2012 वाला नियमावली था उसको चेंज करते हुए है। अब 2024 का नियमावली चेंज हो चुका है, इसमें यहाँ पर आपका जो है बीएड अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तीसरा अपडेट आप देखिए, तीसरे में कहा गया कि उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधन में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2020-2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गए उक्त पदों को जो है अग्रेतर करते हुए वर्तमान में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को जो है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार अग्रेतर कार्रवाई जो अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करना जो है सुनिश्चित करें कि आपकी 2020 में जो भर्ती हुई थी, 2021 में भर्ती हुई थी, जिन लोगों की बीएड के पक्ष में नियुक्ति हुई थी उनको तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हो रखी है, जो भी रिक्त पद रह चुके हैं 2020 में 21 में, उन पद को ऐड करते हुए जो नई भर्ती है उनके लिए यहाँ पर जो है प्रारंभ करने की बात करेगी। यानी कि पुराने 2 साल की भर्तियां प्लस नई भर्ती, उन सबको ऐड करने के, जो भी नई भर्ती है वो आगे कार्रवाई करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। चौथा यहाँ पर कहा गया है कि साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधन में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करने वाले जिन अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2020-2021 में विज्ञप्ति पदों पर जो है आवेदन किया है, किंतु जिनको नियुक्ति प्रदान नहीं की जा
सकी है। उन अभ्यर्थियों को जो है पूर्व में किए गए आवेदन के आधार पर ही नवीन विज्ञप्ति में जो है सम्मिलित किया जाएगा। तो ये भी कहा रखा है कि जिन लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा वाली जो भी योग्य हैं, मतलब अर्हता रखते हैं, यानी कि अर्हता मतलब ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड होंगे, ठीक है, जिनके फॉर्म अब निरस्त हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर 2020 में 21 में जो भी फॉर्म फिल कर दिए हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई उनके लिए है, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे इसको आगे जो भर्तियाँ आएंगी, ऐसा भी कहा गया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर साइन बाई जो कि रमन, ठीक है, करके लिखा गया रविना रमन की साइन है, इसमें डिजिटली साइन कर रखे हैं 29/5 को, आप देख सकते हैं पूरा पूरा अपडेट है, ऑफिशियली है और ये जारी हो चुका है। अब जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा इन पदों की भर्ती के लिए, और डीएलएड कैंडिडेट जिन लोगों ने पहले भर रखा है 2020-21 भर्ती में, वो भी आपके आगे पदों की बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि 2021 और 20 की जो भर्ती है पूर्ण रूप से भर्ती को निरस्त करते हुए आगे इनके पद जो है नई भर्ती में ऐड किए जाएंगे, ये आदेश ऑफिशियली हो चुके हैं। साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है, जिन लोगों ने 2020-21 में फॉर्म फिल करे थे बीएड कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो अब नहीं बन पाएंगे शिक्षक साहब में। जिन लोगों ने डीलेट किया था उस टाइम पे फॉर्म फिल करा था लेकिन नंबर नहीं आया होगा बाई चांस, तो वो लोग जो है आगे इन पदों के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे, उनके फॉर्म जो है वैलिड माने जाएंगे, ऐसा यहाँ पर अपडेट है जो कि यहाँ पर साफ साफ देखते हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ पर जो है क्या कह रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चार पॉइंट हैं जिसमें यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने पूरी अपडेट जारी कर दी है, ये ऑफिशियली है जिनमें आपको मैं बता रहा हूँ, और ये आप लोग पूरा पूरा देख सकते हैं ऑफिशियली है, और इसमें नए नियम साथ में लागू हो चुके हैं 2024 के संशोधन नियमावली, ठीक है, संशोधन नियमावली में आपको बीएड कैंडिडेट अब यहाँ पर कोई भी किसी भी दशा में जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी यहाँ पर जो है 2020-21 का भर्ती जो निरस्त कर दिया गया है, और इनके जो भर्ती थे पद थे वो आगे बढ़ा दिए हैं नवीन भर्ती में, नई पदों में, जिसमें पदों की संख्या अभी रिक्त इसमें तो लिखा नहीं गया, लेकिन लगभग लगभग न्यूज पेपर में आ रहा है कि कहीं पर 3600 दिखा रहा है, कहीं पर 3000, कहीं पर 2300 अलग अलग दिखा रहा है, तो ऑफिशियल आने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम अभी 3000 के करीब मान के चल रहे हैं अभी जो न्यूज पेपर बता रहा है। चौथा अपडेट यह है कि यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से वो पद नहीं भर पाएंगे फॉर्म जिन लोगों ने जो लोग अर्ह नहीं है, लेकिन जिन लोग अर्हता रखते हैं, शैक्षिक अर्हता रखते हैं, वो लोग जो है उनके आवेदन विज्ञप्ति में जो है वो कर पाएंगे, और जिनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है, ठीक है, कई लोग की नियुक्ति हो चुकी होगी उनको जरूरी नहीं आवेदन करना, लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है उनको कंपलसरी है भाई यहाँ पर जो है आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये पढ़ सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पर जारी हो चुका है और 29 मई को ऑफिशियल हो चुका है, और मेरे ख्याल से इसमें जून में इसकी विज्ञप्ति निकलने के आसार हैं क्योंकि ऑफिशियल हो चुका है जारी। रिक्त पदों की सूची शिक्षा विभाग जुटा रहा है अभी कितने पद हैं, और बल्कि आरटीआई भी लगाई थी, आप लोगों ने देख लिया होगा कल आरटीआई वाला मैंने अपडेट भी बताया था कितने कितने पद रखते हैं वहाँ पे, और जो भी अपडेट आप लोग डेली बेसिस पे देखते हैं उनको सबको अच्छे से पता होगा, और बाकी डीलर कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और ये जो है जून से मतलब इसी महीने से बताया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो जून में ही भरने के लिए बताया गया है 4 तारीख के बाद से, लेकिन अब कब तक आते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में तो आ रहा है कि भाई जून से ही आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे।